से बातें सुनते रहे, ये दीवाना वो नहीं है। अब मेंबर में कौन की सलाह तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें ये जानू मानू के जो लफ्ज हैं इनका रद्द करना पड़ेगा। ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब ये गैर कहां चलेगी जब लड़की अपने बाप को कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यही तो मलाला ने बात कही तो पूरी कौम चीख उठी। मैं कल दा वेना पिया सियाफी मैक लैके भजे फिरदे ने जी, फला मलाला ने ये कह दिया, मलाला ने ये कह दिया, भजे फिरदे ने गलियां च। तो यही बातें तो मैं कहता था, ये लड़कियां रोज कहती हैं पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लड़की कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, लड़का कहता है ये मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड है। यही मलाला ने लफ्ज कहा है, उसने भी पार्टनरशिप का लफ्ज कहा है ना। इससे बड़ी तुम्हारी चीखें निकली हैं। हर मौलवी आज जुमे में बोल रहा है ना, मैं भी बोल रहा हूं,
मगर नासर बदली की बातें तुम्हें अब करनी पड़ेगी, अब तुम्हें इस बात में आना पड़ेगा, अब हर जुमे में तुम्हें ये जिक्र करना पड़ेगा, तुम्हें सोच आ जाएगी कि ये जो काम नासर बदली ने शुरू किया था हमें पैदा करना चाहिए। तारीख लिखेगी इंशाल्लाह कि एक मौलवी था जिसने सबसे पहले मिंबर से ये आवाज उठाई थी, ये जान मानू का चक्कर इस्लाम ने जात नहीं दी, मगर तब इन मौलवी ने कहा इसको जानू कहने की क्या जरूरत थी, अब तुम मलाला का लफ्ज कहो हम पार्टनरशिप, आपको पता चलेगा कि किसकी क्या जरूरत थी, अब पता चलेगा कि दुनिया किस जगह पर निकल निकली है। ये यूनिवर्सिटियों में लड़की लड़के को फूल पेश करती, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, ये यूनिवर्सिटियों में चल पड़ा है और एक दूसरे के प्यार को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इस्लाम के उल्ट तस्वीर है सारे नक्शे की। मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी है प्राइवेट पे, मैं तुम्हें उधर गया खिताब करने, तो एक लड़की लड़का कोरोना के दिनों में इकट्ठे बैठे हुए ऐसे बिल्कुल मैं बता नहीं सकता, तो मैंने उनको बोला कि कोरोना है तो थोड़ा जहा सैर तो हो जाओ, कहते सानू कोरोना कुछ नहीं कहना, ऐ हालात ने कि देखो ना कि मैं तो बहाने नाल तरीके नाल ही कहना सी ना, तुहानू पता मेरी आदत है मैं दुनियावी गल विच पा के गल करना, मैं उन्होंने कहा करोना हैगा, जे मैं सिद्धी सलाम दी कहिंदा तो उन्हें सुननी नहीं सी, तो मैं कहा करोना हैगा थोड़ा जहा सैर तो हो जाओ, यानी उन्होंने अलग करना मकसद सी ना, बिल्कुल जुड़ के बैठे। ऐ साडे मुल्क दीआं यूनिवर्सिटियां दा हाल है, तो फिर उलमाए कराम मसीतां च बह के वाज करदे ने, वह मुंडे कभी सुनना आउंदे ही क्योंकि उन्होंने मुंडियां की जबान तो मौलवियों को है ही नहीं। जितनी नौजवान पार्टी मैंने सुन आती है क्यों आती है सुन वास्ते, कि मैं इन्होंने जेल के मुताबिक जाके गुफ्तगू कर जो मुआशरे चल रहा मैं वो बयान कर ला, आज देख लो करना चाह रहे सुनिया कि जरूरत है पार्टनरशिप का लफ्ज जरा जना प्यारा चूज किया गया है जी लड़की लड़के की दोस्ती चल जाए सुनिया जाता है। मैं एक बाबा जी वह 90 साल 100 साल उम्र है वह जनाब इंटरव्यू करता पिया सा, मैं अजकल जिन्हें बाबे पुराने ने भी उन्होंने इंटरव्यू करना है ताकि आने वाली नस्लों को उन्होंने जिंदगी के तजर्बात मिल जाए। उस बाबे मैं पूछया बाबा जानू मानू का की चक्कर है जेड़ा लड़कियां लड़के लव मैरिज शादियां करते हैं। उस बाबे दे लफ्ज़ ने आंदा मौलवी जी साडे दौर च मंगनी हो जानी ते जेड़े पिंड मंगनी होनी वो गली ना लंघना पिंड ना लंघना, मुंडे ने कहना इत्थे मेरी मंगेतर रहिंदी है, ते मैं कहा बाबा फिर कहता जे कदी भुल चुके किसे मुंडे ने पिंड वड़ जाना सहरिया ने बह फट के ओदा नकाब पड़ा के कुड़ी नाल तोरना के पिंड ए ना खेल लैन की आया सी, ऐसी तेरे वड्डियां दी गैरत, ये पार्टनरशिप का चक्कर तो तुमने निकाला, ये दोस्ती ये बैठना ये गपशप लगाना और सारी सारी रात मोबाइल ते जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं, ते मां भी लागे प्यो भी लागे देखना करदार इन्हां लड़कियां लड़कियां दा सारी सारी रात मोबाइल ते गप्पां। ऐ सुनिया जे लफ्ज ते आनण आदरा मैं लैके चला, ये पार्टनरशिप किधर जा रही है सुनिया जे ते आनण ला जांदा वे औरत दा माना पर्दा है वक्त ना पी बई औरत माना पर्दा है इस्लाम दुहाई दे आए औरत माना पर्दा है इस्लाम दुहाई दे आए औरत नु रखो पर्दे इस्लाम कुरान गवाही दे आए जिस अंदर वड़ के बहना से रोज जियो दे आरिए जिस अंदर वड़ के बहना से खबर पढ़ के सुनारिए जिस अंदर वड़ के बहना से मलाला बनती जा रही है जिस अंदर वड़ के बहना से मैराथन रेस लगा रही है जिस अंदर वड़ के बहना से स्विमिंग पूल ते जा रही है जिस अंदर वड़ के बहना से टिकटॉक आईडी बना रही है
जैसे अंदर वर्ग बहना से रिपब्लिक सिटी चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से सिंधिया बैठा पा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से फैशनी वाल कटा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से गलियां बाजार सजा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से शॉपिंग करने जा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से फोटो मंगन आ रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से बाजार खूब सजा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से मोबाइल ते ऐडी बना रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से फेसबुक ऐडी चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से प्रोफाइल पिक्चर लगा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से वॉल पेपर ते आ रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से स्क्रीन सेवर चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से ईमो खूब चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से बिंगो खूब चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से यूट्यूब चैनल चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से गलत थंबनेल लगा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से ऐपा खूब चला रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से फैशन शो दिखा रही है, जैसे अंदर वर्ग बहना से बुटीका खूब चला रही है, मैनू आंदे ने मदनी बोली ना एक कौम तरक्की ते जा रही है, बगैरती का नाम दे हयाई का नाम तरक्की रखने वाला हो, ये औरत की बर्बादी का नाम इतना दिन महफूज रखने वाला हो, ये दुनिया में औरत का मराब इसका नाम पार्टनरशिप रखने वाला हो, आओ कुरान पढ़िए, ये ईसाइयों के कुलत में बैठ कर इस मलाना ने बात की है, मैं उन ईसाइयों को पैगाम देता हूँ, ये तो तुम्हारा मजहब ये जात नहीं देता हूँ, आओ वहाँ मरियम का तस्करा करते हो, खास कर करके ताप है मरियम, मेरा यार मिस्त्री अर्शद बड़ा सुनता होता है मौजूद, भाई आफ्ताब साहब को अल्लाह सेहत वाली जिंदगी देवे, खास कर करके ताप है मरियम, असिंता बदल में अहलिहा मकान शर्किया, बीबी मरियम बैठिया ने फतम सला लहा बशरम शमीया, बीबी मरियम बैठिया है, काश मलाला कले पड़े सूरत मरियम, उन्होंने पता लगे निकाह की कितनी अहमियत है, मैं निकाह तो पहला हूँ एक गल करा, क्या लड़की लड़का कट्ठे बैठ के गप शप कर सकते, ये पार्टनरशिप मलाला ये बात सुन लो, ये पार्टनरशिप का माना ये है तुम एक टिश्यू बन जाओगी, तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट में पहचान तक ना होगी, निकाह नामे में पहचान ना होगी, पासपोर्ट में पहचान ना होगी, तुम्हें टेस्ट में जाओगी एक टिश्यू पेपर बन जाओगी, तुम्हें कोई इस्तेमाल करेगा और टेस्ट पेपर में फेंक कर चला जाएगा, निकाह तुम्हें कितनी जगहों पे सारी जिंदगी जिंदा रखेगा, गलतियां के रजिस्टर में तुम्हारी पहचान होगी, तुम किसकी मामा हो, तुम किसकी नानी हो, किसकी दादी हो, किसकी माँ हो, किसकी बेटी हो, किसकी बहन हो, ये गलतियां से काम चलेगा, तुम पासपोर्ट में आओगी पासपोर्ट में पहचान होगी, तुम किसकी बेटी हो, किसकी बीवी हो, माँ के पल में रहोगी, तुम्हारे साथ बाप का साया रहेगा, मलाला बिन फलाह जब तुम बल्दिया के बर्थ सर्टिफिकेट से निकलोगी किसी की साक्षियत में जाओगी, फिर तुम्हारे साथ नाम के नाम और नाम लगेगा, जिस तरह ये जीएम न्यूज में मेरी बेगम के साथ निस्वा नास दिखा गया, इसी तरह पहचान मिलती और को बाप का नाम अंदर से काट कर उसके खानद का नाम साथ आ जाता है, ये और निकाह में रहेगी तो हर जगह इसको तहफ्फुज़ मिलेगा, ये बीबी मरियम जनाबे बैठी है किधर कमरे चे हजरत ज़करिया अलैहि सलाम है, मकबरा ज़करिया हजरत ज़करिया अलैहि सलाम की कफालत अंदर है, ते सुनिया जे ध्यान नाल ये बीबी मरियम नबियां दी सुन ला कफालत चे वलियां दी ती ते नबियां दे घर पलदी पई है, ते की है मकबरा
ज़करिया हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम की कफालत पे बैठी है। सुनो सुनो मेरे बच्चों, प्लीज कैंप पे आओ, प्लीज कैंप पे आओ। अल्लाह जानदा टिकटॉक वाले कुड़िया मुंडे लब के निकाह करी आंदे, आ फेसबुक वाले मुंडे सारा दिन पुछते रहते ने आप लड़की हो के लड़का हो, सारा दिन फेसबुक तानू अजे तक यही पहचान। कैंप पे आए, कैंप पे आए, सुने ये जो लड़के कहते हैं कैंप टू कैंप चैट करे, ये पार्टनरशिप दोस्ती करे, ये बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड और ये प्रपोज करते हैं प्यार, सुन ले जरा ध्यान से मेरे बच्चे, ये जितने टिकटॉक मॉडल स्नैप मॉडल ये जितने मेरे चांद मेरे मक्खन चुने में आए, आओ कुरान से मैं आपको समझा दूं कि कुरान क्या मतलब तुम्हारी हिदायत का जरिया है। जितनी मर्जी बुराइयां आ जाएं, ये कुरान तुम्हें रास्ता हिदायत का दिखाता रहे। मैंने चैलेंज किया था पूरी दुनिया के मर्जियों को, कादियानियों को, कि तुम कहते हो हर दौर में रहबर की जरूरत है, आओ नासर मदनी मुआशरे पे बोलता है, लाओ कौन सी बुराई है जिसका मेरे नबी ने इलाज नहीं बताया, लाओ एक लाओ। अल्लाह के फजल से मैं दिन रात अगर किताबें पढ़ूं तो इसी मौजू पे पढ़ता हूं, अगर मैं कोई स्टडी करूं तो इसी मौजू पे करता हूं, अगर मोबाइल में सर्च करूं तो इसी मौजू पे करता हूं, और मेरी आदत है मैं सारी रात सोता नहीं हूं, फजर पढ़ के सोता हूं। मेरे साथ जो होते हैं उनको पता है, हाँ जलसे से आना सो जाना फिर सुबह फजर भी जाती है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ मोबाइल पर सर्च करता रहता हूँ। और क्यों करता हूँ, ये जितने बैठे हैं इसलिए करता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा हूँ। तुम कहते हैं नई नई बुराइयाँ आ गई हैं जिसका इस्लाम में कोई इसका हल नहीं है, ऐ जितने मुंडियां खोता कटिंग ऐ चालण वाला पुरुष ऐ मैं तरीके न सीधा किया है, मैं उन्होंने हदीस पेश करके किया है। सब तो पहला खोता कटिंग के खिलाफ मैं बोलिया सा ना, तो फिर अज वेख लो ना हूँ मुंडे कटिंग कराना छड़ गए, छड़ गए और मुंडिया ने जनाबे वाला अपनी इसलाह कर ली। मैं तुम्हें पैगाम देने लगा है कि जो मलाला ने लफ्ज़ बोला ना इंटरनेशनल सतह पे, मैं इसलिए आज जुमे का मौजू इसलिए रखा कि मेरी नौजवान नस्ल किसे ये ना कहे हाँ जी ये निकाह वाला चक्कर क्या है, बातें करनी चाहिए, गपशप करनी चाहिए। आज सुनो नाम के अंदर बस कर फिर के ताप मरियम असिंता बदत में महली नाम मकान शर्किया बिनी मरियम बैठिया ने पता मस्सा लाला अरबी के गुलाम बोलते पैने कोठियों वाले ऊंची कर। हाँ
ये मलाला को क्या पता है, बस जिसे में नारे नहीं लगाते, ये मलाला को क्या पता है मोहम्मद अरबी की उम्र निशान कैसी है, ये हुसन के चक्कर में आकर मेरे बच्चों मत अपने माँ बाप को जलील करना। ऐसा की मां बच्चे कह रहे ने जी मेरी आंटी की बेटी का कलर जरा मुझसे मैच नहीं करता और मैंने उससे शादी नहीं करी, कहती है हर लफ्ज़ सुनने वाले थल्ले उठ जाए। जब इमाम नबी आगा कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी करीम आकर मानने वालों मुफरे साथ नबी नाल मोहब्बत का इजहार करने वालों मुसलमानों बैठे जे ये लड़के कह देते हैं कि मैंने चचे के घर शादी नहीं करनी, क्यों? उसकी लड़की का रंग मुझसे मैच नहीं करता। है कुरान की कहता है बीबी मरियम सामने बैठिया ने तो पता की कह रही है अल्लाह पाक का कुरान है बच्चा बत्ती चौक भी जुमा पढ़िया मैं देखता पाया है किन्ने नौजवान ने जिन्हें बत्ती चौक जुमा पढ़िया जैसे पहुंचे ने अल्लाह सब दाना कबूल फरमाए अल्लाह तड़ी उम्र च बरकत फरमाए ते सेहत वाली जिंदगी दवे तानू किन्ने नौजवान किन्ने बुजुर्ग आए ने ऐ सुनिया जे लफ्ज बड़ा वड्डा बीबी मरियम बैठियां ने जबरील कुंडला लावाल रंग बड़ा सोहना है ते तमसीले बशर बन के आया है फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा मैं देखता पट्टी टिलुआ तो दोस्त उमर साहब और किन्ने दोस्त है बाप आए ने सारा लफ्ज सुन वाला है कोई पक्के डेरे तो आया कोई कितों आया है ये सब दी कदर करना सुनिया जे लफ्ज बीबी मरियम बैठिया ने सुनो सुनो ये पार्टनरशिप का चक्कर ये पार्टनरशिप ये बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड ये है कुरान। यहाँ अलहुदा इंटरनेशनल जनाब डॉक्टर फरत आसमी साहब की तरबियत याफ्ता बच्चियां सुनहर मरकज में बच्चों को पढ़ाती हैं बच्चियों को पढ़ाती हैं इन मेरी बेटियों से आके दीन सीखे नामा तलबासत शेख मुरी साहब दी क्यादत अबू बकर अब्दुल बासत अते नगरान ऐ सुनिया जे लफज पड़े वटे बीबी मरियम बैठियां ने तेरे मेरे वर्गे हुंदे ते बह के गप्पा मार दे ते जिहड़ियां मां दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने जिहड़ियां बाप दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने जिहड़ियां भरा दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने जिहड़ियां बरादरी दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने जिहड़ियां मुल्क दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने जिहड़ियां शहर दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने जिहड़ियां वीरां महल्ले दी इज्जत दियां सकियां हुंदियां ने हुण वेख कुरान कहंदा है बीबी मरियम बैठियां ने जबरील सामने आ गए वीरां सुनो ध्यान कमरा बच्चा है ताला लगा है एक बीबी मरियम है ते जनाबे जबरील खड़े ने सामने खड़े फता मसाला लाहा बशरन समीया तफसीले बशर बन के आए ने ते बीबी मरियम ने ए नहीं कहा एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या आपके मामा का नाम क्या पापा का नाम क्या है कौन सी सिम यूज करते कौन सा नेट यूज करते कौन सी आईडी बनाई है कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है मैंने आपको कहीं देखा आपके म्यूचुअल फ्रेंड कौन से हैं कहां रहते हो मैंने आपको कहीं देखा है ना दुकान ते किसी मर्द ना गल करने वाली ना कमरे च किसी गैर महरम ना गल करने वाली ना आईफोन एप्पल मोबाइल ते चैट करने वाली ना मोबाइल ते गल्ला करने वाली कुरान कहंदा है बीबी मरियम बैठिया है ते सामने जबरील कल्ले ने आंदे की है आंदी वे चले जा वीरा मैं कल्ले कलिया तू मर्द बगाना डाडा तेरे तो संगिया रब रहमान दिया पनावा भी मंगिया दूर हो इत्थे खलौनाई ते अगला लफ्ज कहंदी है मैं तेनू बुरा भी नहीं कहंदी वा इन कुंता तकिया है भी तूने के आंदी वीर तेरे खलौने इत्थे चंगे नहीं मेरे खालू दी इज्जत बड़ी है खालू मेरा नबी है बाप मेरा वली अल्लाह सी जनाबे इमरान दी बेटी है मेरे प्यो दियां बड़ियां इज्जतां सी हाय मलाला तेनू की हो गया अज दियां बेटियां नू की हो गया मेरी ओ बेटियो नंगे मुंह रक्शियां च बैठ जांदियां जे नंगे मुंह गलियां च फिरदियां जे नंगे मुंह बाजारां च जांदियां जे नंगे मुंह गलियां च बैठदियां जे
नंगे मुंह मजारा दी सैर कर दिया जे, नंगे मुंह मरी दी सैर कर दिया जे, फिर गैर महरम लड़कियां ना खड़े होके पिक्चरां उतरवा दिया जे, फिर तस्वीरां उतरवा दिया जे, फिर फेसबुक से अपलोड कर दिया जे, सूरत मरियम पढ़ो 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 मेरे बच्चों पढ़ो कुरान। बीबी पाक कहंदी है आंदी है चले जा वीरा मैं कले कलियां, तू मर्द बगाना डाडा तेरे तो संगियां, रकालत आउज़ु बिर्रहमानी तेनिया देते रब रहम बहान दियां, पनावा भी मंगियां दूर हो ते खलो नाई। ते अगली गल बड़ी वड्डी कहंदी, मैं तेनू बुरा भी नहीं कहंदी, तेनू बद भी नहीं कहंदी, तेनू दुनिया च भूंड भी नहीं कहंदी, तेनू भूंडी लाण वाला भी नहीं कहंदी, तेनू दुनिया दे उत्ते ए भी नहीं कहंदी कि तू इत्थे आया ही इस नीयत नाल आ, तेनू अच्छा ही कहनी है। वा इन कुंता तकिया है तू नेक, पर आंदी है पा और सुना ये पार्टनरशिप, ये लड़कियों के साथ दुकानों में जूस पीने वालों, ये पर्दे आगे कर कर जूस की दुकान बनाकर ये उम्मत की बेटी की गैरत लूट कर तुम कहते ये फैमिली में बैठे हैं, तुम्हें सब पता है फैमिली किस तरह आती है, ये जोड़े किस तरह आते हैं, ये कॉलेज के लड़के अंदर पर्दों में बैठकर जूस किस लिए पीने आते, ये सब दुकानों वालों को पता है। तुम अपने 50 के चक्कर में मुस्लिम बैंक की इज्जत बर्बाद कर दी, तुमने अपने 100 के चक्कर में एक मुस्लिम बाप की गैरत बर्बाद कर दी, तुमने अपने 100 के चक्कर में अपनी मुसलमान बहन की इज्जत बर्बाद कर दी। मुस्लिम तो वह है कि जब फलस्तीन में जनाब बेटी की इज्जत का मसला बना, सिंध में जब एक मुस्लिम बेटी ने पुकारा मोहम्मद बिन कासम तैफ से चला, वो सिंध पहुंच गया था, मुल्तान पहुंच गया था, ये मोहम्मद बिन कासम था, ये उम्मत की बेटी की इज्जत बचाने आया, और तुम उम्मत की बेटी का नाम बाजू पे लिखकर ब्लेड के साथ पूरी दुनिया में बर्बाद कर रहे हो उसकी इज्जत। बाजुओं पे तुमने नाम लिख लिए, खून के साथ तुमने लिखकर खत और फेसबुक पे शेयर कर दिए, और तुमने दुकानों के ऊपर लिखा ये फैमिली हाल है, और पर्दे लगा दिए, और लड़की लड़का बाहर से आया और उस पर्दे में बैठ गया। तुमने सोचा ही नहीं ये मोहम्मद मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाली बेटी है, किसी बाप की इज्जत है, किसी भाई की गैरत है।